पूरा सतर्क रहते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बूथ पे जाकर धानी धानी गांव में जाकर हमारी आने वाला जो भी हमारा प्रत्याशी होगा सुन के परेशान हो चुकी है। और अब तो हम नहीं, हमारी पार्टी के लोग नहीं, इनके पार्टी के लोग भी जुमलेबाजों से परेशान हो गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन गिली चुपड़ी बातों में ना आकर भाजपा वालों के ये छल जो इस प्रकार से गरीब और भोली भाली जनताओं के साथ पिछले 5 सालों में इन्होंने किया था उसका जवाब हमने दिया है। और पशुधन को अनुदान देती सरकार वो आज हमें कहा है कि आप इसको बढ़ाओ, की सबकी मांग थी तो छोटा पशु होगा 16 के बजाय 20 रुपये और बड़ा पशु तो 32 या 40 रुपये की मिलेंगे उनको सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में। एक आबू माउंट में बाइलॉज का मामला था लंबे अरसे से, जैसे निवासी महिला जिला रहे थे वो काम भी सरकार ने कर दिया है, लागू हो गया है, तकलीफ नहीं आएगी आपको। गौरक्षकों का, गौरक्षकों का नहीं, गौर सेवा करने वालों का जो चलाते हैं गौशाला है उनका, तो उनकी सबकी इच्छा थी कि हम कुछ बढ़ोतरी करें, कुछ बढ़ोतरी हमने की है, कुछ दानदाता करेंगे, सब मिलकर के गौशाला है अच्छे नहीं चले, हमारा प्रयास रहेगा। सर मीटिंग तो होने दो।